तो फिर सोचे ना कि हम दोनों कहाँ खड़े हैं। क्या है ये सब कुछ? क्या हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसी होती है? क्यों, तुम्हारी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी करती है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर दिला दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। लेकिन ये कभी मत सोचना कि तुम साथ को लेके उस घर में शिफ्ट हो जाओगी। क्या मतलब? अमाजान ने वो घर खरीदने की इजाजत सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि तुम कभी साथ को लेकर अलग नहीं होगी। तो फिर घर लेने की जरूरत ही क्या थी? तुमने कहा था तुम्हारी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। अगर तुम्हें पहले ये सब बताता तो तुम कहती कि तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी करने के बहाने ढूंढ रहा हूं। आपने हमेशा मेरी खुशियों को बर्बाद किया है। आपने हमेशा मेरी खुशियों को अधूरा छोड़ा है। याद है आपको, जब हम लोग इस्लामाबाद में थे तब भी आप सारा की बीमारी का सुनकर वापस आ गए थे। मेरी खुशियां अधूरी रह गई थी। और आज क्या कर रहे हैं आप? आज आपने अम्मा जान की ख्वाहिश सामने रख दी, मतलब मेरी खुशी मेरी ख्वाहिशात सब भाड़ में जाए। तो ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए कोई घर वर। क्या बचकाना हरकत कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में सिर्फ अम्मा जान की मर्जी चलती है। उन्होंने तुमसे शादी औलाद के लिए करवाई थी। अगर तुम साथ को लेकर अलग हो जाओगी तो ये घर दोबारा वीरान और उदास हो जाएगा। सबको अपनी खुशियां अपनी ख्वाहिशात की पड़ी है। कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है? खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताएं, क्या कभी आपने अपनी खुशी अपनी मोहब्बत से कोई चीज खरीदी है मेरे लिए? सारा जितनी मोहब्बत थी ना तो बहुत दूर की बात है। आपने तो उस जितने हकूक तक पूरे नहीं किए। आपने मेरे हकूक को सिर्फ जिम्मेदारी और बोझ समझ के पूरा किया है। और आपका दिल मेरे लिए कितना खुश है सब दिखाई देता है मुझे। कुछ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। इस घर में मैं सेकंड थी और सेकंड ही रहूंगी। इस घर की खुशियां सिर्फ अम्मा जान और सारा के दम से हैं। मेरी हैसियत इस घर में सिफर है, जीरो। दम घुटता है मेरा यहां पर, नहीं रहना मुझे इधर। इतना एग्जैजरेट मत करो। इस घर के हर फर्द ने तुम्हारा ख्याल किया लेकिन तुमने क्या सिला दिया? सारा को घर से निकालने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए किस हद तक चली गई? मत भूलो कि इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। हाँ, आप
आप मुझे इस घर में निकाह करके लेके आए ना, आपको औलाद की खुशी दी, इज्जत दी, मोहब्बत दी, बदले में आपने क्या दिया मुझे? क्या मिला मुझे आपसे? ये घर, आसाइश, इज्जत, पैसा, क्या नहीं मिला तुम्हें? किस चीज की कमी है? मुझे वो हकूक नहीं मिला जो शौहर अपनी बीवी को देता है। ये बात मत भूले कि आप अल्लाह के यहां मेरे लिए भी उतने ही जवाब दे हैं जितना सारा के लिए। वो आपको मेरे लिए भी कठेरे में खड़ा करेगा और पूछेगा मुझसे कि क्या तुम अपने शौहर से खुश हो? मैं कहूंगी नहीं, और वही सेम सवाल वो आपसे भी पूछेगा और यकीनन आपका भी जवाब होगा कि ना। तो फिर सोचे ना कि हम दोनों कहां खड़े हैं। क्या है ये सब कुछ? क्या हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसी होती है? गाइज, आई एम संबुल इकबाल, और सब्सक्राइब करें AYI डिजिटल का यूट्यूब चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।